हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका मिश्रा फैमिली ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज है मेरी बेटी का बर्थडे, जो कि वो अपने बर्थडे के लिए खुद ही डेकोरेट कर रही है कमरे को, और अपने हाथ से ये बलून फुला फुला के अपना लगा ले रही है। कोई नहीं है मेरे यहाँ और ना मैंने ही ज़्यादा किसी लोगों को बुलाया है। सादा सा सिंपल सा बस केक कट कर लेंगे। ये देखिए कैसा लगा आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ बेसन का लड्डू, जिसके लिए मैंने आधा कप देसी घी लिया है और आधा कप मैंने बेसन डाला है। और इसको हम एकदम मीडियम का एकदम लो फ्लेम पे इसको हम ऐसे ही भूनते रहेंगे। 10 से 15 मिनट तक लगातार चलाते हुए हम इसको ऐसे ही भूनते रहेंगे, जब तक कि ये कलर ना बदलने लगे। इसका कलर जब ब्राउन होने लगेगा तब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच सूजी और 1 कप मैंने खोया निकाल के रखा हुआ है दूध का, वो डालेंगे। और फिर इसको हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। तो अभी आप सब देख सकते हैं कि इसका थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होने लगा है और ये गाढ़ा भी होने लगा है। तो ये देखिए, मैंने इसमें सूजी भी मिला दिया है और खोया भी मिला दिया है, और इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर दी है अपने हिसाब से, कम मीठा ज़्यादा मीठा, जिसको जैसा पसंद आए वैसा डाल सकते हैं इसमें चीनी। और इसको फिर इसमें गला के खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जब ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा तब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ठंडा होने के बाद हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स काट के मिक्स करके और फिर इसका हम लड्डू बना लेंगे। तो ये देखिए, मेरा मिश्रण ठंडा हो गया है और हम ड्राई फ्रूट्स काट के इसमें मिला लेंगे। ये मैंने ड्राई फ्रूट्स काट के इसमें मिक्स करके ये देखिए मैं लड्डू बना ली हूँ। और ये देखिए मेरे लड्डू कैसे लगे आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को मेरे लड्डू अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। और ये मैंने उबले हुए रखे हैं आलू और मटर, इसका मैं बनाऊंगी सब्जी। तो ये मैंने मसाले पीस के मिक्स करके रख लिए हैं। थोड़े से प्याज मैंने कट कर लिए हैं, हरी धनिया कट कर ली है। प्याज मैंने पीस लिया था इसलिए मैंने तड़के के लिए थोड़े ही प्याज काटे थे। कुकर में हम बनाएंगे सब्जी, तो हमने कुकर में सरसों का तेल डाला। तेल मुझे थोड़ा कम लगा तो मैं थोड़ा और डालूँगी। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी जीरा, तेल गरम हो चुका था तो मैं जीरा डाल रही हूँ। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हींग और दोनों को अच्छे से भून लेंगे हम। फिर इसमें हम प्याज डालेंगे, हम मिर्ची अभी इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि हमने मसाले में हरी मिर्च पीस ली है, तो हम इसमें मिर्ची नहीं डालेंगे। और इसको भूनने के बाद हम इसमें मसाले डाल के इसको भून लेंगे अच्छे से। मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स करते हुए धीमी आंच पे धीरे धीरे 5-7 मिनट तक अच्छे से इसको भून लेंगे, जब तक कि ये तेल ना छोड़ने लगे। मसालों को भूनने के बाद हम इसमें आलू और वो मटर डाल देंगे। मेरे मसाले अच्छे से भून गए हैं, हमने थोड़ा सा पानी डाला है। अब इसमें हम मैश किए हुए आलू डाल देंगे। आलू डालने के बाद इसमें हम अपने उबले हुए मटर डाल देंगे और फिर इसको ढक के हम पका लेंगे। ये मैंने इसमें डाल दिया है खटाई, ये आम की खटाई है, और स्वादानुसार हमने नमक डाल दिया है। यहाँ पे मैंने दूध रखे हैं उबलने के लिए, दूध मेरा उबल चुका था, हमने इसमें इलायची कूट के डाल दी थी। इसका हम बनाएंगे सेवई की खीर। ये मैंने सेवइयाँ भून ली है देसी घी में और इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स भी डाल भून के मिक्स कर लिए हैं, और इसको हम खीर बनाएंगे। तो चलिए हम इसको डाल देते हैं दूध में।
सेवइयों को दूध में डालने के बाद हम गैस बंद कर देंगे, क्योंकि अगर गैस चलती रही तो फिर सेवइयाँ हलवा हो जाएंगी। और इसको ज़्यादा चलाना भी नहीं है, बस थोड़ा सा हल्का चला के इसको गैस बंद करके हम इसको ढक के रख देंगे। और ये मैंने बूंदी का रायता बनाया है और ये पूड़ियाँ बना रहे हैं, अभी थोड़ी सी बनाई है, बाद में बनाएंगे। और ये मैंने सेवई बन के तैयार हो गई है, ये मेरी सब्जी भी बन गई है और ये मेरा थाली लग गई है। मेरी बिटिया डांस कर रही है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।